नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज टेक फ्यूचर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं MIUI 11.2 लेटेस्ट बिल्ड Xiaomi EU ROM जो कि हमारे पोको F1 के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास में MIUI 11.2 by Xiaomi EU 20.3.26 लेटेस्ट है। ये बीटा के अपडेट ऊपर में बना हुआ है, तो आपको जो है सो ये बहुत ही आराम से ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी पैच। तो दोस्तों, सिक्योरिटी पैच जो है आपको लेटेस्ट मिल जाता है, ये थर्ड मंथ वाला। तो आप देख लीजिए, ये रहा हमारे पास में सिक्योरिटी पैच थर्ड मंथ का। तो मतलब कि ठीक है, अभी तक, अभी अप्रैल आने वाला है तो अप्रैल का अभी तक नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रॉयड 10 आपको मिल जाता है। कर्नल की मैं बात करूँ तो ऑप्टिमम ट्रंकेट कर्नल है, जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस के मामले में, गेमिंग के मामले में बहुत ही बढ़िया काम करता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अभी जो आपको थोड़ा बहुत ग्लिच दिख रहा होगा, ये इस वजह से कि बैटरी इसकी बहुत डाउन हो गई, मतलब 5% पे हो गया। मैं सोचा था कि पूरा को पूरा यूज़ करके मैं आपको पूरा बैटरी इन्फॉर्मेशन भी दिखाऊं एक ही साथ। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जैसे बैटरी इन्फॉर्मेशन ही दिखा देता हूँ कि बैटरी बैकअप जैसे इसका किस तरीके का है, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस एंड बैटरी ही हमें मैटर करता है रोम के लिए। तो दोस्तों, बैटरी यूज के ऊपर मैं बात करता हूँ। दोस्तों, ये जैसे रोम मैंने कल डाला था और कल से अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, फुल चार्ज किया था, उसके बाद से मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला 4 आवर 7 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम है। गेमिंग, वाईफाई, आई मीन इंटरनेट, डुअल वोल्टेज, सभी चीज़ें एक्टिवेट है। तो कह सकते हैं कि एक मॉडरेट यूज में ठीक ठाक है, बट उतना बढ़िया भी नहीं है, जो कि एग्रेसिव यूज होता है MIUI का, जो बैटरी के ऊपर में एग्रेसिवनेस होता है वो इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में आपको न्यू मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहला वर्क, मैं जैसे पहली दफ़ा इसके अंदर में लॉक स्क्रीन में फिंगरप्रिंट सेट कर पाया था और बाकी अपने लॉक स्क्रीन में फिंगरप्रिंट सेट नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाते ही ये जो सो क्रैश कर जाता है। आप देख लीजिए, तो ये पहला क्रैश हो जाए, एक दिक्कत है, पहला बग। दूसरा बग ये है कि इसके जो सो आपको क्विक सेटिंग टॉगल्स के अंदर में जो आपको टॉगल एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो सो इसके अंदर में और भी टॉगल्स नहीं इनबिल्ट कर सकते, और भी टॉगल्स नहीं लेके आ सकते हैं। ये मेरे को मेजर इशू लगा, दूसरा सेकेंड वाला। ठीक है, बाकी ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है, लाउड भी है, म्यूजिक वगैरह के लिए लाउडनेस काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है, वो ये है कि आप जो ऐप्स के अंदर में जाएंगे तो ऐप्स को जो आपको एक परमिशन और वेयर इज़ दैट परमिशंस, ठीक है, एंड यहाँ पे अदर परमिशन है, ऑटो स्टार्ट है, और एक जो सो आपको यहाँ पे मैनेज ऐप्स में है। मैनेज ऐप्स में जाएंगे तो आपको एक ऐप बिहेवियर मिलेगा। ऐप बिहेवियर बड़ा ही अच्छा चीज़ है, जिसके अंदर में आपको जैसे कौन सा ऐप कभी चला है, किस टाइम पे उसने क्या यूज़ किया, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप, गूगल फोटोज, टिकटॉक, ES फाइल एक्सप्लोरर, फिर उसके बाद व्हाट्सएप ने बैकग्राउंड में कॉन्टैक्ट यूज़ किया था, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगी। ये मुझे जैसे काफ़ी अच्छा चीज़ लगा है इस रोम के अंदर में, ऐप बिहेवियर, मतलब ये जो लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 के अंदर में जो चीज़ आने वाला है वो आपको MIUI यहाँ पे 11.2 के अंदर में ही मिल गया। उसके अलावा एक और फीचर है, वो है यहाँ पे वीडियो मोड का। जैसे आपको याद होगा कि गेम मोड के अंदर में जाने के बाद में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन शॉट, ये सारे फीचर्स आपको एक ही जगह पे मिल जाते थे, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये चलते हम यहाँ पे एक, हाँ, टिकटॉक ऐप इसमें एडेड है। चलिए, जैसे ही आप टिकटॉक के अंदर में आएंगे तो आपको जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे चीज़ें मिल जाएंगी, जिसके अंदर में रिकॉर्ड है, स्क्रीन शॉट है, कास्ट है, और यहाँ पे स्क्रीन ऑफ है। जैसे टिकटॉक में कोई वीडियो चल रहा है, आपने इसको बटन दबा दिया तो आपको जैसे एक टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन मिले मांगेगा, इसको आप जैसे ओके कर देंगे तो ये जैसे स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, लेकिन वो म्यूजिक जैसे वो गाने बजते रहेंगे। ये चीज़ आप यूट्यूब में भी कर सकते हैं और कई सारे ऐप्स को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे आप सेटिंग पैनल में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऐप्स ऐड करने के लिए मिल जाएगा, मैनेजर वीडियो ऐप्स, इसके अंदर में आप टॉगल में क्लिक कर देंगे तो वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएगा। ये बढ़िया फीचर मुझे यहाँ पे भी एक लगा। तो दोस्तों, अभी जो एक और अपडेट के अंदर में मेजर अपडेट चीज़ ऐड किया गया है, वो है गैलरी के अंदर में। दोस्तों, आप गैलरी में जाएंगे, अगर आपके पास में कोई ऐसी फ़ोटोज है जो कि आपने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है और जिसके ऊपर में आप जो सो वाटर मार्क लगा रखे कि टाइम स्टैम्प और वाटर मार्क, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अनॉइंस होता है कि कई दफ़ा जो सो हम सेंड करना चाहते हैं और वाटर मार्क रहता है तो हम सेंड नहीं कर पाते, लेकिन अब जो सो आपके पास में कैपेबिलिटी, आप एडिट के अंदर में जाएंगे तो आपको जो सो यहाँ पर एक ऑप्शन ऊपर में मिलेगा रिमूव वाटर मार्क का। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका दोनों वाटर मार्क जो सो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और अगर आप ऐड करेंगे तो आपको वो ऐड भी हो जाएगा। तो आप ये जो चीज़ है वो मेरे को लगा कि बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि ये गैलरी के अंदर अपडेट है और इसके जरिए में बहुत चीज़ें आप जो यूजेबल कर सकते हैं। जैसे कि कई दफ़ा जो हमें इमेज को स्टॉक के लिए देना होता है, फिर कई सारे और भी काम होते हैं जिसमें जो हमें ये क्लिक आ जाता है मेनली और बहुत दिक्कत दे जाता है। तो मेरे हिसाब से ये हर एक कंपनी को ही करना चाहिए फीचर्स, तो मतलब ये रिमूव और ऐड करने का ऑप्शन ज़रूर दिया जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, ये अभी भी आप कोई पुराने पिक्चर्स के ऊपर में ऐड नहीं कर सकते, वाटरमार्क जिसके ऊपर में ऐड है उसी को आप रिमूव कर सकते हैं,
इसके अलावा और भी चीज़ें मैं बता दूँ दोस्तों, स्मूथनेस तो काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपको मैं रीसेंट ऐप की मैं बात करूँ तो दोस्तों, रीसेंट ऐप के अंदर मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे पुराना वाला ही एनिमेशन यहाँ पे चल रहा है, लेकिन ठीक है। इसके अंदर मैं Xiaomi यू बिल्ड के अंदर मैं आपको जैसे यहाँ पे मिल जाता है क्या चीज़, एक एक्सटेंशन, मतलब कि रिबूट के लिए आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। इसके लिए आपको जैसे डेवलपर मोड में जाने के बाद में इसको एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कैमरा का, तो कैमरे के अंदर में मैं अभी फिलहाल के लिए ANX कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसे इसके डायरेक्टली इनबिल्ट कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। ANX कैमरा के अंदर में बस आपको एक फीचर मिल जाता है व्लॉग मोड। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता दोस्तों, इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप जा करके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक दो फीचर और भी मिल जाते हैं, जैसे कि शॉर्ट वीडियो के अंदर में आपको कैलिडोस्कोप मिल जाता है, स्लो मोशन में तो आपको मिलता ही है 240 या 960 FPS सभी में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जैसे यूरोम के अंदर में नहीं मिलता, वो मी रोम के अंदर में मिलता है। यूरोम के अंदर में आपको 960 FPS स्लोमो यूज़ करने के लिए आपको ANX कैमरा यूज़ करना होगा, ओके। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों और भी चीज़ें मैं अगर आपको बताऊँ तो लेटेस्ट लेटेस्ट वो क्या है दोस्तों, एक और चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ये है कि अगर आप इसके डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं, फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन के अंदर में, और जाकर के अगर आप पावर मीनू के अंदर में जाते हैं, तो आपको एक फ़ीचर मिलता है। वो ये है कि अगर आप पबजी वगैरह खेलते हैं और अगर आपको दिखाना है वीडियो के अंदर में, स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं और आपको दिखाना है कि कितना FPS, कितना मतलब कि आपको जैसे फ्रेम रेट आपको जैसे मिल रहा है आपके सिस्टम का या आपके फ़ोन का, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको पावर मॉनिटर के अंदर में आना है, और पावर मॉनिटर के अंदर में आपको आप देख रहे हैं फ्रेम रेट मॉनिटर टूल, इसको आपको स्टार्ट करना है। जैसे आप करेंगे तो आपको ऊपर के ऊपर में आपको जैसे छोटा सा आ जाएगा ऑप्शन, जहाँ पे आपको जैसे इसका रिजोल्यूशन कितना हर्ज का ये पैनल है और कितना FPS पे आपको जैसे ये मिल रहा है, ये रिफ्रेश रेट या फिर आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट बोल सकते हो। यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी मिलता है, करंट मॉनिटर टूल। आपको जैसे करंट मॉनिटर टूल को भी आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी और कितना ट्रांसपेरेंट रखना है कितना नहीं रखना है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इसकी तो जरूरत नहीं, लेकिन फ्रेम रेट वाला जैसे काफ़ी काम का चीज़ है, मेरे को लगा ये आपको बता देना चाहिए। जैसे आप अगर आप गेम वगैरह खेलते तो आपको हर जगह पर यूज हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप सेटिंग के अंदर में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 FPS पे हमें जैसे मिल रहा है, 57 FPS मिल रहा है अभी, ठीक है। तो आपको ये हमारा पैनल जैसे 60 FPS सपोर्ट करता है और यहाँ पे 60 FPS फ्रेम रेट आपको जैसे मिलता है। वैसे अगर हम बात करें तो दोस्तों हम ट्विक के जरिए हम जैसे उसको 71 तक कर सकते हैं, लेकिन ठीक है 60 FPS आपको जैसे आराम से आसानी से मिल जाता है। गेमिंग के अंदर में भी आपको ये मिल जाता है और ये चीज़ें आपको गेम वगैरह हर जगह पे काम करेगा, मतलब आपको कोई थर्ड पार्टी और मैजिक मैनेजर के जरिए में यूज करने की बात नहीं है, आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब जो हम बात कर लेते हैं यू रोम का नोटिफिकेशन पैनल का, दोस्तों ये सबसे पहला या फिर आपको मेरे हिसाब से जो सो ट्विक है मी रोम से लिया गया या फिर आप बोल सकते हैं तो इसमें भी पोर्ट किया गया। यहाँ पे आपको जो सो आप डिस्प्ले के अंदर में आपको डुअल नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। यहाँ इसके लिए आपको जो सो नॉच एंड स्टेटस बार में जाना है, वहाँ पर आपको जो सो आइकन इनकमिंग नोटिफिकेशन वगैरह कर देना एक्टिवेट। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग ऊपर है और नोटिफिकेशन सारे नीचे में है। तो ये फीचर जो सो वैसे पहले मी रोम के अंदर में मिलता था, अब जो सो आपको यहाँ पर भी मिलने लगे, काफ़ी अच्छी बात है फिलहाल के लिए। और इसके अंदर में और भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि स्पीड वाला यहाँ पे भी ये भी डुअल में आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे पास में नोटिफिकेशन कोई डुअल में है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। वैसे हालांकि ये सभी रोम में देना चाहिए, Xiaomi को जो सो अपने स्टेबल रोम के अंदर में ही देना चाहिए, बट पता नहीं क्यों ये स्टेबल रोम के अंदर में नहीं है, आपको जो सो ये चीज़ें यहीं पर मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रोम इंस्टॉल करने के बाद में आपको एक और चीज़ भी करना है, वो ये है कि डेवलपर मोड में जाने के बाद में आपको क्या होगा कि एनिमेशन आपको जो सो अच्छा लगेगा, लेकिन 1x जो सो एनिमेशन है ना, वो थोड़ा सा लगता है कि डिले हो रहा है। आप इस एनिमेशन को क्या कीजिए, एनिमेशन को यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो एनिमेशन को आप 0.5x अगर कर देते हैं तो आपको काफ़ी स्पीडली स्मूथनेस सभी चीज़ों का स्मूथनेस आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेटर वगैरह जो भी ऐप्स आप इसे रन करेंगे आपको ये फटाफट से ये स्मूथ मिलेगा, बहुत ही स्मूथ। इसके अलावा यहाँ पे आपको परमिशन वाला जो सो फीचर है, वो परमिशन वाला फीचर भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट, जी हाँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मैं रोजाना आप इस तरह से नया वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहेंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वंदे मातरम, कीप स्माइलिंग, एंड इस कोरोना के टाइम पर थोड़ा बच के रहे।